खबर चंपावत से। गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में मचा हड़कंप। चंपावत जिले के तराई क्षेत्र टनकपुर के अंतर्गत शारदा वन रेंज के ककराली ब्लॉक में वन विभाग की गश्ती टीम को एक गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मचा। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुलदार की मृत्यु का कारण जानने हेतु मौके पर ही गुलदार का पोस्टमार्टम कराया। शव का पोस्टमार्टम करने वाले विभागीय डॉक्टर विजयपाल प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि ये नर गुलदार है और इस गुलदार की उम्र लगभग 8 से 10 साल के बीच है। गुलदार के सिर में अंदरूनी तौर पर रक्त का रिसाव हो रहा था, नाक से भी खून निकल रहा था। इसके अलावा कोई भी बाहरी जख्म नहीं पाया गया। वहीं पूरे मामले बारे में जानकारी देते हुए टनकपुर वन विभाग के DFO बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलदार के शरीर पर कोई भी बाहरी जख्म नहीं है। जहर या विषैला पदार्थ खिलाए जाने की संभावना को देखते हुए गुलदार का बिस्तरा जांच हेतु भेजा जाएगा, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। विदित है कि यहाँ थौलगेड़ा जो इस ग्राम सभा उस फॉरेस्ट लैंड में एक जो है गुलदार के बदने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में आज जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं। इसका पोस्टमार्टम किया गया, प्रथम दृष्टया जो देखा गया उसमें उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और उसका पोस्टमार्टम करने पर ज्ञात हुआ कि जो है उसके जो हार्ट चैम्बर है उसमें ब्लड भरा हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको इंटरनल इंजरी कोई हुई है, जिससे उसके शरीर से एक्सेस मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है, जिस कारण उसको जो है उसके ऑक्सीजन की कमी और उसकी डेथ हो गई है। जो गुलदार बरामद हुआ उसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल आकी गई है, नर गुलदार है। ये हमारी शारदा रेंज का ककराली ब्लॉक है जिसमें ये गुलदार पाया गया है मृत। इसका भी हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ स्थानीय जो टनकपुर और बनबसा के पैनल डॉक्टर पैनल द्वारा जो है इसका PM किया गया है। PM में ये चीज़ सामने आई है कि इसके जो बॉडी के अंदर है वो एक्सेस ब्लड था और नाक से भी ब्लडिंग हो रही थी। बाकी बॉडी पूरी इंटैक्ट है, कहीं उस पर कोई किसी तरह का निशान घाव कुछ भी नहीं है। तो इसका बिस्तरा सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और उसको हम जांच के लिए IVRI बरेली भेजेंगे और जो भी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर फिर बता पाएंगे इसका एक्चुअल रीजन क्या है डेथ का। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।